सजा के तौर पर कचरा भी उठवाया जा रहा है। लोगों से बात करेंगे जो कचरा उठा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। कैसा लग रहा है कचरा उठा के आपको? कचरा उठाना अपनी देश की सेवा करना है, अपन को अपने देश को साफ करना है। बिल्कुल, मैं एक युवक हूँ और अपने देश की सेवा करती हूँ, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। और कचरा उठाना अपने देश को साफ करना है और अपन को अपने देश को साफ करके रखना चाहिए। मैडम एक संकल्प और ले लीजिए, हेलमेट नहीं पहने थे आज, अब इसी की सजा आपको मिली, आगे के लिए क्या संकल्प लेते हैं? जी, आज से मैं हेलमेट पहन के निकलूंगी, क्योंकि ये मेरी ही सेफ्टी के लिए है। तो अब जब भी मैं निकलूंगी मैं हेलमेट लेके निकलूंगी। सबक मिल गया जी? बिल्कुल। बाकी लोगों को क्या कहेंगे जो हेलमेट नहीं पहनते हैं? बाकी लोग जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको यही कहूंगी कि आप भी हेलमेट पहन के निकलिए, क्योंकि ये आप ही की सेफ्टी के लिए रूल्स रखे गए हैं और इसमें सरकार का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है। तो अब जो भी थोड़ी तकलीफ हुई होगी, बस अभी तकलीफ तो हुई, तकलीफ नहीं हुई मेरे को, बस तकलीफ इतनी कि मेरी गाड़ी टूट गई एक्सीडेंट होने के कारण। जी हाँ, वो थोड़ा घबरा गई थी, तो पता नहीं क्या उसने क्या सोचा। पुलिस को देख के घबरा जाते हैं, आज आप लोग भी घबरा गए, एक्सीडेंट हो गया, तो उन लोगों को बोल दीजिए कि घबराइए नहीं, पुलिस वाले कोई जान नहीं ले लेंगे आपकी। जी हाँ, तो बस यही कहूंगी कि पुलिस वाले जान नहीं ले लेंगे, वो आप अगर कुछ भी, हाँ जी, वो बिल्कुल डर जाते हैं, तो वो कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ, रुक जाओ भैया, देखो देखो यही हो रहा है, देखो रोको रोको। देखो यही होता है जब श्रमदान हो रहा है वहां पे, तो अपना हेलमेट क्या, आप लोग सब नियम तोड़ रहे हो, तो मोड़ क्यों रहे हो भैया हेलमेट के लिए? चलिए दोनों का चलान कटवाइए, चलान नहीं, दोनों का, दोनों श्रमदान करवाए, चलिए चलिए। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, पूरा श्रमदान हो रहा है वो नहीं कर सकते, तेरह मोड़ रहे हो, क्या नहीं मोड़ रहे, दिखने मुझे क्या अंधा हो क्या मैं? चलिए आगे ले जाइए इनको, अरे भैया गिरा दिए, अचानक मोड़ने की आदत है ना इन लोगों को,